तैरते हुए अगर आपको शार्क खा गई या फिर कुछ भी ऐसा हुआ तो उनकी कोई जिम्मेदारी कोई जिम्मेदारी नहीं। वो अच्छा आप लोगों ने पोस्टर देखा कि नहीं देखा दलित दास्तान का, मैंने उसको डाल चुका हूँ फेसबुक पे भी, इससे पहले वीडियो भी बनाया था। और दलित दास्तान एक सीरीज़ है, वेब सीरीज़ है जिसमें बहुत सारे एपिसोड्स आएंगे। अभी हम पहला एपिसोड शूट कर रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे इससे पहले शूटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और उसमें हम लोग एक्टिंग भी कर रहे हैं, कुछ लोग बहुजन समाज के लोग ही, और उनको भी एक्टिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये जो वीडियो आने वाला है ऐसा देखने लायक चीज़ होगी कि हम लोग उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और जब भी मैं सीरीज़ का पहला एपिसोड डालूंगा उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा वीडियो बनाकर। दिन पहले हम लोगों ने व्हाट्सएप पे कॉल किया जब सत्येंद्र सर जो है वो अमेरिका में थे, और उन्होंने जस्ट रिकॉर्ड बना के कुछ घंटे बीते थे उस समय। हाँ यस, मैं भी कुछ ही 5-6 घंटे बीते थे। 5-6 घंटे बीते थे और हम लोग उस दिन काफ़ी ज़्यादा सांस रोक कर बैठे हुए थे, पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, बट यकीन था सर आप कर लोगे उस चीज़ को। और काफ़ी ज़्यादा अभी आप इससे पहले जो वीडियो डाली थी उसमें रैली भी दिखाई थी, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर आकर बहुत अच्छी तरह से गाड़ी में बैठा कर लेकर आए और पूरा शहर घुमाया आपको, और लोग भी काफ़ी खुश थे। कई लोगों ने एक सवाल पूछा है सर कि जो आपने इतने बड़े मुकाम तक आज पहुंच पाए हैं आप, तो कोई अगर लड़का स्विमिंग में इंटरेस्ट रखता है तो वो उस चीज़ तक कैसे पहुंचे, मतलब उसे क्या करना होगा? बताना चाहता हूँ कि पहले अपने आप को ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें स्विमिंग करना है या नहीं करना है। अगर हम किसी चीज़ के लिए डिसाइड कर लेगा अभी हमको ये करना है तो उसको बहुत से रास्ते मिल जाएंगे अपने आप। ऐसा नहीं है कि किसी को रास्ते नहीं मिलेंगे, रास्ते भी मिलेंगे, बट ढूंढने पड़ेंगे हमको। अगर मेरे से भी यहाँ तक मैं जिस परिस्थितियों में मैं पहुँचा हूँ, तो अगर मेरा तो वैसे गूगल और यूट्यूब और फेसबुक से मिल जाए, अगर ऐसी कुछ परेशानी हो तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते डायरेक्ट, मैं पूरा बताऊँगा। जब आप वहाँ पर स्विमिंग करने के लिए उतरे थे तो मन में क्या चल रहा था आपके? देखो मन में बस हमेशा ठंडा पानी, शार्क और मछलियाँ, मतलब अगर छोटी सी मछली हमारे पास भी आ जाए पानी में हो तो हम पानी में ना उतरें। देखो एक किसी भी कार्य को अगर करने के लिए कोई एक मुकाम है, अगर परेशानियों ऐसा नहीं अपने जीवन में भी काफ़ी मुश्किलें आती हैं, इसके लिए ट्रेनिंग हमें तैयारी पूर्ण करना चाहिए। सफलता मिले या असफलता मिले इसका कभी भी भयभीत नहीं रहना चाहिए, हमें अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निभाना चाहिए सच्चाई ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ। अगर आप ये काम कर लेते हैं सच्चाई ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ, मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो व्यक्ति को असफल करने से असफलता। तो सर उस समय जब पानी में उतर रहे थे तो कैसा लग रहा था? पानी में मैंने वहाँ अमेरिका में 16 मे बी 10 दिन काफ़ी अक्लमेटाइज किया बॉडी को, वैसे तो यहीं से गया था, बट मैंने सोचा अपना कार्य हम कर रहे हैं, मैंने ना तो क्योंकि स्विमिंग जब समुद्र में करते हैं नाइट में स्विमिंग 12-1 बजे था यहाँ इंडिया का था, तो ना तो आगे देखते हैं ना पीछे देखते हैं, क्योंकि अगर आगे देखेंगे तो फियर होगा, मछली भी रहती हैं, शार्क भी रहती है, काफ़ी चीज़ें रहती है एक्सेट्रा, काफ़ी एसोसिएशन बाकी काफ़ी हेल्पफुल रहती है, तो भी वो बाउंड भरवा लेते हैं कि अगर आए लाइफ रिस्क वहाँ पे, मतलब जिंदगी का खतरा रहता है। हाँ वो पहली लिखवा ले तो बाउंड भरवाते हैं, अगर ऐसी लाइफ को कुछ होता है तो हमारी आई हैव नो रिस्पांसिबिलिटी। तो वहाँ पर जिस तरह से हॉस्पिटल वगैरह में जब ऑपरेशन होता है जब साइन करवा लेते हैं कि अगर आप मर गए तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसी तरह से वहाँ भी ऐसे साइन करवाया उन्होंने कि अगर आप तैरते हुए अगर आपको शार्क खा गई या फिर कुछ भी ऐसा हुआ तो उनकी कोई जिम्मेदारी कोई जिम्मेदारी नहीं, वो पूरे बाउंड भरवाते हैं, बाकायदा पहले बताते हैं पूरे बारे में आपको कुछ भी हो सकता है, और ऐसा नहीं है वो ऐसे ही नहीं छोड़ देते, पूरा हेलीकॉप्टर का व्यवस्था होता है, कुछ भी एनी बड़ी इमरजेंसी आती है तो सारी सुविधाएँ, अगर उनके पास ना होते हुए भी कुछ होता है तो
मतलब उन्हें पूरी कोशिश कर ली, उसके बाद भी अगर कुछ हो गया तो वो उनकी जिम्मेदारी। हाँ, तो आप ऑब्वियसली समझते हैं यूएस जैसी टेक्नोलॉजी कहाँ है, अगर वो तो भी पहले बता देते सब चीज़ों के अवेयरनेस बता देते ये ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है, तब उसके बाद साइन देते हैं, बाउंड भरवाते हैं, उसके बाद पूरी तरीके से, और उसके इमरजेंसी नंबर भी लिखवाते हैं उस पर। अच्छा, कि आपकी फैमिली में जब कुछ इमरजेंसी हो तो किसको कॉन्टेक्ट किया जाए, तो वो भी नंबर वो सारा। और वहाँ पर जब आपने पार कर लिया तो उससे उस समय आपने सबसे पहले किसको कॉल किया, किसको कॉल करके बताया? वैसे पार करने के लिए तो मैं, क्योंकि यहाँ इंडिया का टाइम डिफरेंट था, क्योंकि न्यूज तीसरे दिन आना था, तो वैसे आपको ही व्हाट्सएप पर बात हुई नहीं। अच्छा, मुझसे ही पहले बात हुई आपसे, क्या बात। हमारा बस इसी कार्य जर्नी में इसीलिए हम बढ़ रहे हैं कि जो हम जैसे लोगों को जिनके अंदर एक कोई बाई गो कैसे भी कहें उनको प्रॉब्लम आ गई, शरीर की भिन्नता आ गई, तो वो मतलब समाज के अपमान का कारण समझाते हैं फैमिली, उनको अंदर रखा जाता है, बोलते हमारे इस घर में ऐसा लाए। तो मैं पैरा स्पोर्ट को इतना डेवलप करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश में, इतना आगे बढ़ना चाहता हूँ कि एक ऐसे लोग किसी के अपमान का कारण नहीं, समाज में और उनके परिवार को एक सम्मान का कारण बनना चाहिए। बिल्कुल सर। और लोग सोचते हैं कि जो प्रॉब्लम हुई डिसेबिलिटी हो गई ये, अरे ग्रेटेस्ट डिसेबिलिटी इन द माइंड नॉट ए बॉडी। बिल्कुल सही बात है। तो जब सोच अच्छी है तो कुछ भी कर सकता है व्यक्ति, हाथ पैर की जरूरत नहीं पड़ती है, बट मन की सच्ची लगन की जरूरत पड़ती है। सही, अगर दिमाग आपका ताकतवर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपने साबित कर दिया। यस, वैसे भी कहते हैं दिमाग में सकारात्मक विचार भरेंगे देन योर लाइफ विल चेंज, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि पहले अपने आप पर विश्वास करो, और सेकेंडली मैंने पहले भी मेंशन किया है कि मैंने इस सही चीज़ का, आपने मछलियों का जिक्र किया, आपने इसका किया, तो एक चीज़ हमने जो बुद्धा धम्म है, काफ़ी हमको पुस्तक नहीं मिल रही थी, वो हमने 3 बार पढ़ा, वो जीवन का सार बता देती है क्या जीवन है। एक अपने मैं वैसे ही नहीं कह रहा, मैंने 3-4 बार उस पुस्तक को पढ़ा, एक बार पढ़ने से नहीं 2-3 बार उसको पढ़ा पुस्तक को, बुद्धा और धम्म। तो उसमें जब हमने वो एक बिच्छू संघ के लिए नहीं है, एक हम पारिवारिक जीवन में भी बहुत कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करती है, तो उसमें लिखा था कि अगर व्यक्ति की सच्ची लगन और श्रद्धा और सही तरीके से काम कर रहा है तो पानी और आग से उसकी जीवन में कभी भी डेथ नहीं हो सकती है। तो ये कोटेशन हमसे मिला कि हमने हमें अपने विश्वास, हम कितने अपने जीवन में चले हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमारा ये हो ही नहीं सकता, डरने का काम ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर। तो यही कारण था कि मैं सर से फिर से आपको मिलवाना चाहता था, और मेरा हमेशा ये कोशिश रहेगी जब भी सतेंद्र सर ग्वालियर आएंगे तो कहीं ना कहीं भले 10-5 मिनट के लिए मिलूं, लेकिन मिलूंगा ज़रूर। और ये चीज़ मैंने कई बार कैमरे पे भी बोला है कि अगर मुझे कोई बड़े लीडर से मिलने का मौका मिले या सतेंद्र सर से, तो मैं सतेंद्र सर को ही चुनूंगा, क्योंकि उनसे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि यार मतलब अमेरिका जहाँ लोग जाने की सोचते हैं कि हमें एक बार मौका मिल जाए, वहाँ आप रिकॉर्ड बना रहे हो, तो एक बहुत बड़ी बात है सर। हाँ, यस, ऑब्वियसली वहाँ का वीजा मिलना ही एक काफी, आप वहाँ जाके रिकॉर्ड बना रहे हो, तो एक सब लोगों का एक ब्लेसिंग्स है, सहयोग है, और कुछ हमारे महापुरुषों ने जो बताया उसके रास्ते पर चल कर हम सोचते हैं कि हम भी अपने। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे। जय भीम बेटा। तो कल के लिए तैयार है ना, कल अपन को शूट करना है, और मतलब पहला एपिसोड का कुछ सीन शूट हो गया है, और लेकिन कितना कठिन था पहली बार एक्टिंग करना, मतलब अपन ब्लॉग तो नॉर्मली कर लेते चलते फिरते, ब्लॉगिंग तो हो जाती है, ब्लॉगिंग मतलब सीख गए ब्लॉगिंग करना। मैं वही बताना चाह रहा था, मैंने सन्नी को बताया कि जो शोले फिल्म में जो गब्बर पत्थरों पे घूमता हुआ जाता है और बोलता है कितने आदमी थे, जो डायलॉग फेमस डायलॉग है, उसको शूट करने में उतना सा शूट करने में 40 टेक लिए थे अमजद खान ने। तो आप सोच सकते हो कि वो तो इतने प्रोफेशनल एक्टर थे, हम तो जिंदगी में पहली बार एक्टिंग कर रहे हैं यार, तो टाइम लगेगा लेकिन कर लेंगे, चिंता मत करो। मैं कहना चाह रहा हूँ मतलब उसने 40 टेक लिए थे, और हमारे लोग एक दो मतलब 5 टेक भी हो जाते हैं तो लोग होबलाइज हो जाते हैं है ना, तो होबलाइज मत होना और अपनी एक्टिंग का कीड़ा जारी रखना, कोशिश करते रहेंगे और करते रहेंगे। और आज सतेंद्र सर के मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, मैंने स्पेशली सनी को बुलाया था कि मुलाकात के लिए, थोड़ी बहुत मुलाकात हो गई,
नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे उनसे जब फिर से वो कोई एक और रिकॉर्ड की कहाँ की बता रहे स्पेन की? स्पेन स्पेन में जावल्टर चैनल, अब वो मुझे नाम हो सकता है ठीक से ना आ रहा हो, वो क्रॉस करने की बात कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। कीप सपोर्टिंग।